बीएसपी के किस बड़े नेता के घर पर चल रहा है बुलडोजर, आज हम आपको बताएंगे। और अब कैसे बुलडोजर की जगह डायनामाइट का भी इस्तेमाल करेगी योगी सरकार, ये भी बताएंगे। ये भी दिखाएंगे कि कहां निषाद राज की जयंती पर संजय निषाद ने डांस किया है, और साथ साथ निषादों को लेकर कितने बड़े बड़े ऐलान और कितनी बड़ी सियासत हो रही है। और यह भी जान लीजिए कि शामली में कहां मिला है AK-47 और उसके साथ सैकड़ों राउंड गोलियां। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। योगी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में निषाद सियासत अपने चरम पर है। निषादों ने इस बार बीजेपी की सरकार बनवाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस बार निषाद पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया और अब बीजेपी के इस मंत्रिमंडल में योगी 2.0 में निषाद, संजय निषाद न सिर्फ मंत्री हैं बल्कि घूम घूम कर अब निषादों को एक साथ जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आज संजय निषाद प्रयागराज में थे, प्रयागराज में आज वो निषादों के साथ डांस करते, नृत्य करते नजर आए। पहले आप उनके इस डांस को देखिए, क्योंकि इस वक्त निषाद समुदाय में खुशी इस बात की है कि इस बार की सरकार बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये सच भी है। तो पहले संजय निषाद के आज के इस नृत्य को देखिए, क्योंकि आज निषाद राज की जयंती है और आज वो इसे मनाने श्रृंगवेदपुर, जो कि प्रयागराज से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पहुंचे थे। आज योगी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक अखबारों में एक बड़ा सा एड निकला और उस अखबार के एड में राम के बाल सखा के रूप में निषाद राज को दिखाया गया था। अब निषाद राज का जिक्र रामचरितमानस और रामायण में आता है, जब भगवान राम वनवास के दौरान उनकी मुलाकात निषाद राज से होती है। श्रृंगवेदपुर वो जगह है प्रयाग के पास जहां कहा जाता है वहां भगवान राम की उनसे मुलाकात हुई, और आज संजय निषाद उसी जगह पर, उसी धर्मस्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां मंदिर बनाने का ऐलान किया, वहां बेसिक सुविधाओं को बढ़ाने का ऐलान किया। लेकिन जिस तरीके से निषाद राज की इस जयंती को बीजेपी और संजय निषाद दोनों ने मिलकर मनाया है, ये साफ साफ इस बात की ओर इशारा कर रहा है, ये सियासत की तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे निषाद समुदाय इस वक्त बीजेपी गठबंधन के साथ गोलबंद है और बीजेपी इस समुदाय को किस तरीके से अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में, जो कि श्रृंगवेदपुर का कार्यक्रम था, वहां पर संजय निषाद ने जो बातें कही हैं वो भी बेहद अहम है। उन्होंने कहा पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे बना है उसका नाम निषाद राज के नाम पर रखा जाना चाहिए, और एक बात भी उन्होंने कही कि अगर निषादों के भलाई के लिए अगर बेटे की सियासी कुर्बानी देनी पड़ी तो उसके लिए भी वो तैयार है। यानी कि एक तरफ बीजेपी से मेलजोल, बीजेपी के साथ जाने की बात, बीजेपी के साथ आगे बढ़ने की बात, वहीं इशारों इशारों में ये भी कि उनकी सियासत को बीजेपी गारंटी के तौर पर नाले। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। निश्चित रूप से भाई, इतिहास से गौरवशाली इतिहास है, इन्होंने वोट दिया, सरकार बनाई है, तो यहाँ निषाद राज का गले लगे राम और निषाद राज की मूर्ति लग रही है, 35 एकड़ का पार्क है, तो अभी मांग किया कि जो निषाद राज क्या थे उस बहाने में, रेल के बहाने लोग जाने कि राम क्या थे, निषाद राज क्या थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक किताब लिखा था कि राम ही नहीं कुछ हैं, बिना राम के निषाद राज नहीं है, निषाद राज के बिना राम नहीं है। ये साबित करना है कि ये भारतीय संस्कृति में है और भारतीय संस्कृति का एक अंग है और इस देश का एक दिलों में बसने वाली संस्कृति है। तो एक्सप्रेस निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाए, रमचौरा स्टेशन यहाँ है, उसे भी भव्य किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसको फलक फैलाया जाएगा। अच्छा, जहाँ भी जाते हैं परिवार आपका साथ रहता है, बेटे आपके साथ रहते हैं, वजह क्या है? निश्चित रूप से हमारे सभी नेता, जितने भी महेंद्र सिंह राजपूत, धनराम मरंगवा, मनोहरलाल जयपाल, कश्यप, झूरीबीन, जो हमारे जमुना निषाद, फूलन देवी, ये ढेर सारे झूरीबीन जैसे नेता मारे गए, शहीद हुए, तो कोई भी आंदोलन करते शहीद होते हैं,
मेरा अखिलेश निषाद शहीद हुआ, तो मैंने संकल्प लिया कि अब दूसरे के बेटे को नहीं शहीद करूँगा, तो हमें मारे जाएंगे तो मेरे साथ मेरे परिवार के लोग पहले खड़े रहेंगे, वो शहीद होंगे तब दूसरे का बेटा शहीद होगा। तो इसलिए मैं अपने बेटों को शहीद करने के लिए साथ मिलाया हूँ कि शहीद हो जाओ लेकिन अपने समाज का हिस्सा दिखाकर इस धरती पर से जाके अपना कर्ज चुका। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेरठ में बसपा के कद्दावर नेता रहे हाजी याकूब के प्राइवेट अस्पताल सिटी अस्पताल को आज प्रशासन ने सील कर दिया। हाजी याकूब बसपा के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, विवादित नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है क्योंकि विवादित भाषणों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन आज मेरठ के एक निजी अस्पताल जो कि उनका अस्पताल है उसे आज स्वास्थ्य विभाग ने सील कर लिया। और ये सील इसलिए किया क्योंकि बताया यह गया कि ये बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ये अस्पताल कई सालों से चल रहा था। सीएमओ ने बकायदा इस बाबत जानकारी दी और कहा कि जब इनसे कागजात मांगे गए तो इनके पास कोई वैध कागजात नहीं था, ऐसी स्थिति में इनके अस्पताल को अब सील कर लिया गया है। यानी कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरे तरफ अस्पतालों को भी सील किया गया है और खास करके निशाने पर कहीं ना कहीं वैसे लोग भी हैं जिनका विवादित इतिहास रहा है और उसमें से ज्यादातर बीजेपी के विरोध में है। तो हाजी याकूब जिनकी पहचान एक उस विवादित नेता के तौर पर रही है जिन्होंने कभी एक कार्टूनिस्ट को मारने के लिए उसके सर पर इनाम रखा था, एक कट्टरपंथी नेता के तौर पर इनकी पहचान बनी थी, लेकिन आज भी वो बसपा के नेता के तौर पर उनकी पहचान है। आज प्रशासन ने उनका ये अस्पताल सील कर लिया। उधर बुलडोजर लगातार चल रहा है गोंडा में, कई एकड़ जमीन पर जो कि सरकारी जमीन थी बताया जा रहा था और उस पर अवैध कब्जा किया गया था, उस पर आज बुलडोजर चला है। वहीं दूसरी तरफ महोबा की तस्वीरें भी देख लीजिए जहां पर ये बुलडोजर सरकारी जमीन पर चला है, लेकिन आरोप यह है कि ये भूमिहीनों की के पास ये जमीनें थी जहां पर उन्होंने अपने घर बनाए थे और सरकार ने उनसे भी ये घर खाली करा लिया। अब अगली खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में AK-47 और साथ साथ 1300 राउंड उसकी गोलियां मिली हैं, एक ड्रम मैगजीन मिला है और ये सब तब मिला है जब बताया ये जा रहा है कि अनिल नाम का एक बदमाश था जो कि धर्मेंद्र गुट के लिए ग्रुप के लिए काम करता था और वो इस AK-47 को हरियाणा ले जाना चाहता था। तो क्या पुलिस के खौफ से AK-47 को छिपाने की कोई कोशिश थी? फिलहाल इसकी जांच चल रही है, लेकिन AK-47 का किसी अपराधी के पास मिलना अपने आप में हैरत अंगेज है और कई सवाल खड़े करता है कि आखिर AK-47 राइफल के साथ साथ हजारों राउंड गोलियां और चार मैगजीन इसके अलावा ड्रम, ये सब इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हथियारों का एक जखीरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में मौजूद था। पुलिस का दावा है कि ये लोग इसे हरियाणा ले जाना चाहते थे ताकि वहां का जो सबसे बड़ा बदमाशों का गिरोह है उसके साथ अंजाम दिया जा सके अपराध को, लेकिन वो बीच में ही पकड़ा गया। सबसे बड़ी हैरतअंगेज बात यही है कि AK-47 राइफल बदमाशों के पास से बरामद हुई है। तो यह था आज का यूपी, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।